أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. درود برتيجة محمد وال محمد. महमद महमदरजम सामिगरामी आज इनशा हम छठे सरकार हजरत इमाम ज़ाफर सदक़लाम के मकतब और मदरसे पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे घर इसके बारे में कई सारे आरइज हमने ख़ुद बयान किए हैं और कई सारे कराम के बयानात और फरमायशा मौजूद हैं लेकिन हम अपना हिस्सा डालने की कोशिश करेंगे कि छठे सरकार में इमाम ज़ारफर सदलाम के मदरसे में पढ़ने वालों की तादाद चार हज़ार बयान की गई है और गर्चे के ये इमाम के मदरसे के शागिद थे लेकिन ये बाद में जाकर दुनिया वालों के लिए उस्ताद और इमाम बने हैं जिसमें से एक नाम बहुत मरूफ है इमाम अबू हनीफा का नाम लेकिन इसके अलावा कई और बुज़ुर्गान हैं कि जिन्होंने इमाम के दरस से फैज़ हासिल किया मिसाल के तौर तो पर सूफिया बिन ओय सुफियान सोरी इमाम मालिक ने इमाम से फैज़ हासिल किया और इसी तरीके से एक नाम के जो मशरक़ से लेकर मग़रब तक हर जगह पर मशहूर है और जिन्हें फ़ादर ऑफ़ केमिस्ट्री कहा जाता है जिनका नाम जाबिर बिन हान है और वो भी इमाम जाफर सदलात वाम के शागिर थे तो इमाम के मदरसे के अंदर मुख्तलिफ़लू को पढ़ाया जाता था सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुरान की तालीम दी जा रही है या हदीस की तालीम दी जा रही है या फ़ की तालीम दी जा रही है बल्कि मुख्तफ़ डायमेंशनस के साथ यह मदरसा कामयाबी के साथ गामजन था और वाक़ महसूस कीजिएगा इस बात को कि इमाम को कितना कम अरसा मिला था कि जब बनी उमै और बनी अब्बास के दरमियान इख्तलाफ कायम हुआ है और जंगें हो रही हैं कि बनी अब्बास बनी उमैया के तख्ते को उलटना चाहते हैं और खुद ख़ुदकबिज होना चाहते हैं इस दौरान जो फुर्सत इमाम को मिली है और वैसे तो इमाम की मदत इमामत पैंतीस या चौंतीस साल है लेकिन वह फुर्सत तकरीबन दस बारह बरस की है और दस बारह साल की है कि जिसके अंदर इमाम ने इस मदरसे को औश तक पहुँचाया है और इस दस बारह साल के अंदर इमाम ने वो मदरसा क़ायम किया है कि जिसमें परवान चढ़ने वाले बाद में उस्ताद और इमाम बने हैं और इसकी पब्लिसिटी और तशहर कैसे हुई है इसके अंदर कैसे लोगों ने रुजू किया इमाम की तरफ और क्या इमाम हर मसलक के हर मकतब के शख्स को अपने मदरसे में दाखिले की इजाज़त देते थे या नहीं देते थे ये वो सारे सवाल आते हैं कि जिसको हम कश करने की कोशिश करेंगे तो इमाम ने कभी भी अपने मदरसे में कोई ये बैनर नहीं लिखवाया ये कोई इबारत नहीं लिखवाई कि ये मदरसा सिर्फ मकतब बैत के मानने वालों के लिए है ये मदरसा सिर्फ़ शियान अली के लिए है ये मदरसा सिर्फ़ इमाम हुसैन के अजादारों के लिए है गरचे जाहिर सी बात है कि इस मदरसे में ज़्यादातर अफराद वही थे कि जो इमाम को चाहते थे इमाम को मानते थे लेकिन बहुत से दीगर अफराद भी इस मदरसे मतलब की तरफ रुजू करते हैं और इमाम का दरवाज़ा सभी के लिए खुला होता था चाहे कोई मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, चाहे कोई मोमिन हो या गैर मोमिन चाहे कोई शिया हो या गैर शिया, चाहे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा आलिम हो या कोई अनपढ़ और जाहिल हो हर एक के लिए इमाम का ये मकतब खुला रहता था और यही वो रविश और सुन्नत है कि जो आज हमने भी अपनी आज़ादारी के अंदर राइज की है कि हमारी आज़ादारी में हमारे मजालस में हम कभी कोई कैद नहीं लगाते कि ये शीयों के साथ मखसूस है ये हुसैनीों के साथ मखसूस है ये जाफ़रीयों के साथ मखसूस है बल्कि इस मजलिस के अंदर चाहे कोई शीह हो या गैर शयह मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हर एक आ सकता है हमारे इमाम बाड़े में हर एक आ सकता है हमारे मजालस में हर एक शामिल हो सकता है हमारी आज़ादारी में और जब तक ये क़रीब से हमारे दलाइल को नहीं सुनेंगे तो कैसे हमारे अकीदे की तरफ आएंगे और कैसे हमारे नजरिए की तरफ आएंगे इसलिए छठे इमाम ने इसी रविश को अख्तियार किया जो पैगम बरक्रम से रविश मिली थी कुरान करीम ने यह इस रविश की तरफ दावत दी है, सबील है अहसन। कि लोगों को दावत दो तो बिलहसना बिलहिकमतना खूबसूरत हकमतों के ज़रिए और हमत की बातों के जरिए वमाज़्ज़्तल्हसन माफ़ कीजिएगा बिलहिकमत वमाज़्ज़्तलहसन हकमत की बातों के ज़रिए और बेहतरीन नसीहतों के ज़रिए तो कहीं ये बयान नहीं फरमाया कि सिर्फ जो क़ुरान के मानने वाले हैं जो अल्लाह के मानने वाले हैं उनको दावत दी जाए बल्कि ये दावत अमूमी दावत हो जिसमें जो सुनना चाहे जो शर्क होना चाहे शरीक हो सकता है तो इमाम के मकतब की कुछ खसूसियात अब हम बयान कर रहे हैं पहली खसूसियत यह है कि मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स इसके अंदर मौजूद होती थी मुख्तलिफ़ शोबे इसके अंदर पाए जाते थे सिर्फ ये दुनियावी और दीनी तालीम का मरकज़ नहीं था बल्कि इसके अंदर जितने भी उलूम थे वो पढ़ाए जाते थे दूसरी बात यह है कि किसी मकतब और किसी मसलक के साथ ये मुख्त नहीं था बल्कि तमाम मसालिक के लोग इस दर्स में आकर दर्स हासिल कर सकते थे तीसरी बात यह है कि इस दरजगा के अंदर इमाम ने मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स बनाए हुए थे और मुख्तलिफ शुबों के अंदर मुख्तलिफ़ अफरा को तैयार किया था मिसाल के तौर तो पर जनाब हुमरान बिन आयुन को इमाम ने कुरान के केलूम सिखाए और क़ुरान का माहिर बना दिया और एक मुकम्मल तफसीली रिवायत है कि एक शामी मदीना में दाखिल होता है और छठे सरकार हज़रत इमाम जाफर सदलात वाम की ख़मत में आता है जब इमाम की खिमत में पहुँचा तो अर्ज़ किया कि फ़र्जंद रसूल हमने आपके बारे में सुना है कि आप हर इल्म का जवाब दे सकते हैं और हर सवाल का जवाब आपको जो मालूम है और बायदा इमाम ने वही अंदाज़ इख्तियार किया था जो उनके जद मौला अमीमिन का था मौला अली ने भी मंबर कोफ़ा में आकर यह फ़रमाया था कि सलूनी कबलादूनी और यही बेन ही जुमले छटे सरकार ने शाह फरमाए थे सलूनी मुझसे सवाल करो कबल कि तुम मुझे खो बैठो तो कहा कि मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कहा किस मौजू पर सवाल करना चाहते हो कहा कुरान के मौजू पर सवाल करना चाहता हूं इमाम ने शाह फरमाया अगर तुम कुरान के मौजू पर सवाल करना चाहते हो तो ए हुमरान तुम आओ और इसे जवाब दो बाकायदा रिवायत का जुमला यह है या हुमरान कर रजल हुमरान तुम्हारे पास एक आदमी आया है उसके पास जाओ तो उस शख़्स ने कहा कि फ़जंद रसूल मैं हुरान से गुफ्तू नहीं करना चाहता मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ मैं आपसे गुफ्तु करना चाहता हूँ अच्छा ये लफ्ज़ मुनाजरा भी हमारे यहाँ कभी कभार बहुत ज़्यादा तुंद और तेज़ माना में इस्तेमाल होता है जबकि मुनाजरे का एक सिंपल सा माना है कि एक दूसरे को के सामने अपनी नज़र देना अपनी राय देना एक दूसरे के सामने अपनी दलील देना इसे मुनाजरा कहा जाता है तो कहा कि मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ इमाम ने फरमाया कि जो मैंने हुमरान तुम्हारे लिए पेश किया है अगर तुमने हुमरान को शिकस्त दे दी तो गोया ऐसे ही है कि जैसे मुझे शिकस्त दे दी रवायत का जुमरा ये है इन गलब तःरान फ़कत गलब तनी अगर तुम हुमरान पर गालिब आ गए तो गोया ऐसे कि मुझ पर गालिब आ गए इमाम ने जनाब हुमरान की ऐसी तरबियत की है अल्लाह फक उतना भरोसा उतना अतमाद दिया है जनाब हुरान को और ख़ुद उनके ऊपर इतना एतमारद था कि फरमाया अगर तुमने हुमरान को शिकस्त दे दी है तो सिर्फ हुमरान को नहीं तुमने उसके इमाम को शिकस्त दे दी और ये ताबीर जहर सी बात है कि गैबत इमाम ज़माना का ज़माना है इसलिए इमाम ज़माना की तरफ से किसी मुस्तैद के लिए बायदा नहीं आई है लेकिन अगर फ़र्ज करें कि इमाम अगर किसी मुशहद के बारे में कह दे कि अगर उस मुश्हिद को तुमने शिकस्त दे दी तो कोई ऐसे कि जैसे इमाम ज़माना को शिकस्त दे दी तो उस मुश्हद की क्या बात होगी किस मर्जे किस मीयार पर वो मुश्हिद और मर्जे फ़ायज़ होंगे अलबतः इससे मिलती जुलती ताबीर आई है हमारे महराज के लिए और तो़ी हज़रत हजत इब्न हसन अज्जल्ला फरजशरीफ़ के अंदर अल्ला महमद महमद उसमें बाकायदा ही रवायत का जुमला ये है कि के वम हवादसलवा ववाक़ फ़र्ज अला हदीस हदीसना अब जो नए नए वाक़ पेश आएंगे उसमें तुम हमारे अदीस को रिवायत करने वालों की तरफ़ रजू करो मुश्तदीन की तरफ रजू करो क्यों क्योंतीजत अल फरमाए इसलिए क्योंकि वो तुम पर मेरी जानब से हजत है और हम उन पर अल्लाह की जानब से हजरत बनाए गए तो ये एतमाद इमाम को अपने मराज के ऊपर भी है अपने अदीस के रवायत करने वाले रावियों के ऊपर भी है कि तुम इनकी बातें सुनो मराज के फतावा पर अमल करो क्योंकि ये मेरी तरफ से तुम पर हजत है और परवरदिगार ने मुझे तुम पर और उन पर हजत बनाया है तो मराजाइन पर भी बहरहाल हम इसी तरह से भरोसा करते हैं कि जिस तरह से बत के चूँकि ज़माना है इसलिए हम उनके ऊपर रहे हैं वरना अगर इमाम ज़ाहिर होते और इमाम हमारे सामने होते तो कोई ना मर्जे ये जरूरत कर सकता था कि वो अपना फतवा बयान करें और ना हम ये काम करते कि मुश्तिन से रुजू करते बल्कि हम डायरेक्ट इमाम से मालूम कर रहे होते लेकिन इस ग़ैबत के दौर में और इस पुरशुब दौर के अंदर ख़ुद इमाम ने यह तरीक़ा बयान किया है कि तुम महाराज इन से रजू करो इसलिए हम महराज इन से रुजू करते हैं खुलासा ये कि हुमरान से कहा कि तुम इनसे गुफगू करो हमरान ने गुतगू करना शुरू की और जब गुफ्तु से फ़ारिग हुए तो उस शख्स इमाम ने सवाल किया है शामी तुमने कैसा पाया हुमरान को कहा ज़बरदस्त मैंने पाया मैंने जो सवाल किया उससे सारे सवाल के जवाब आए और जब उसने मुझसे सवाल किए तो मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे सका क्या अब मैं आपसे एक और मौजू पर भी मुनाज़रा करना चाहता हूँ कहा किस मौजू पर कहा अदबियात अरब के मौजू पर अदब के बारे में जो अरबी कवानीन है उस बारे में मैं आपसे बहस करना चाहता हूँ इमाम ने आवाज़ दी अपने एक और साहबी को जिसका नाम अबान बिन तगलब था कहा कि अबान बिन तगलब जाओ उससे मुनाजरा करो कहा कि मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ इमाम ने फरमाया कि अगर तुमने इसको शिकस्त दे दी तो वो ऐसे कि मुझे शिकस्त दे दी और फिर उसने अबान बिन तगलब से मुना किया फिर हमजायत तैयार से मुनाज किया फिर हैशाम अबन हकम से मुनाजर किया मोमिन ताक़ से मुनाजर किया हैशाम अबिन सालिम से मुना किया ये सारी पूरी रिवायत मौजूद है लेकिन इस रिवायत के अंदर जो बात हमें समझ में आती है वो ये है कि इमाम ने इसका मतलब अपने तालब इलमों की अपने शागिरदों की इस तरह से तरबियत की थी कि वो मुख्तलफ़ूम के माहिर हो चुके थे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में वो उस्ताद बन चुके थे इसलिए इमाम ने हर एक को उस की फील्ड का स्पेशलिस्ट पेश, बना दिया और गोया इमाम ने आज हमें ये आज हमारे लिए भी दर्श बनता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम दीन को समझ रहे हैं तो दीन के तमाम उमूर को और तमाम ओम को हम जानते हो मुमकिन है कि कोई फ़िका का माहिर हो मुमकिन है कि कोई तफसीर का माहिर हो मुमकिन है कि कोई इमामत के अबास को अच्छे तरीके से बयान कर सकता हो मुमकिन है कि कोई अखलाकी मौजात को इस्लाही मौजुआ को अच्छे तरीक़े से बयान कर सकता हो तो अगर आज भी इस तरह से मुख्तलिफ अमूर के अंदर और मुख्तलिफ ूमूम के अंदर हमें स्पेशलिस्ट नज़र आते हैं तो ये वही तरबियत है कि जो छठे इमाम इमाम जाफ़र सादलात इसम की तरबियत थी और फिर मुख्तलफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो बड़े अफराद थे उनसे लोग आकर रुजू किया करते थे और फिर उनके शागिद हुआ करते थे एक रिवायत का जुमला ये है कि जब इमाम की शहादत वाकई हो गई तो एक बहुत बड़े आलमदीन और एक बहुत बड़े मौर कोफ़ा में दाखिल हुए और मस्जिद कोफ़ा में जब पहुँचे तो वो बहुत बड़ी मस्जिद जिसकी ज़ारत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाजरीन और सामीन ने की होगी और अगर नहीं की है तो परिगार उसकी ज़्यादात नसीह फरमाए उस मस्जिद के अंदर वह मौरख कहता है कि मैंने मुख्तलफ़ दुरूस के हलकों को देखा कहीं कोई दर्श हो रहा था कहीं कोई दर्श हो रहा था कहीं कोई दर्श हो रहा था किसी मौजू पर किसी मौजू पर किसी मौजू पर और मैंने हर दर्स के हल्के में शिरकत की तो मैंने क्या देखा कि हर दर्स के हल्के में जो उसद है वह हदीस बयान करता है तो कहता है कि मैंने यह हदीस इमाम जाफर सदक आलात व मैंने यह हदीस इब्न मोहम्मद से सुनी है मैंने यह हदीस इमाम सादक से सुनी है और कहा मैंने उन हलकों को शुमार किया और उन दुरूस को शुमार किया जो उस वक्त मस्जिद कोफ़ा में हो रहे थे तो मैंने उसकी तादाद जब गिनी तो पता चला कि 900 सौ दर्स हो रहे थे मस्जिद कोफ़ा के अंदर और हर दर्स जने की आवा वाले की आवाज़ ये थी कि मैंने यह हदीस जाफर इब्ने मोहम्मद से सुनी सिर्फ कोफ़ा के अंदर यह माहौल हमें नज़र आता है तो आप महसूस कीजिएगा बसरा के अंदर अगर दर्श हो रहे हैं मदीना के अंदर दर्स हो रहे हैं मक् दर्श हो रहे हैं मिस्र में दर्श हो रहे हैं तो हर जगह पर इमाम जाफर साद्लाम की हदीस इस तरीके से बयान की जा रही है तो बहुत इलमी माहौल इमाम ने बयान क़ायम कर दिया था और यहाँ रुक कर एक जुमला हम और भी अर्ज करना चाहेंगे कि इदारे बनाने की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है मदरसों के कायम करने की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है हमारे यहाँ कभी कभार आ, फर्दी तालीम पर तो ज़ोर दिया जाता है और फर्दन फर्दन जो चीज़ें हैं उसके अंदर तो ज़ोर दिया जाता है लेकिन एक बाकायदा इदारा क़ायम करना जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म से हम मुखातब हो रहे हैं कायम के प्लेटफॉर्म से इसी तरीक़े से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म को बनाना कि यहाँ से मुसलसल लोग आते रहें पढ़ते रहें और फिर बड़े आलिम बनकर दुनिया के अंदर वो काम करते रहें ये बहुत ज़रूरी है छठे सरकार ने इस तरह का ये प्लेटफार्म क़ायम किया था और ज़रूरी नहीं होता इस प्लेटफॉर्म को कायम करने में या किसी भी स्टूडेंट को कायम करने में हम बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर तोज्जो दें कि भाई कमरे इतने कुशादा होने चाहिए हर जगह पर एसी होना चाहिए हर जगह पर पंखों का इंतजाम होना चाहिए और बड़े सोफे होने चाहिए कुर्सियाँ होनी चाहिए अच्छे मेज़ होने चाहिए अगर हो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इमाम इस हवाले से रुके नहीं कि जब तक ये मेरा मदरसा इस तरह से तैयार नहीं होगा मुख्तलिफ कमरे नहीं होंगे मुख्तलिफ इस तरह से इंतज़ाम नहीं होंगे तब तक मैं दर्ज़े लिए नहीं जाऊँगा इमाम ने अपने दर्ज का आगाज़ कर दिया उसके बाद ख़ुद ब खुद माहौल बनना शुरू हो गया हमें काम से मतलब है हमें रंग व रोगन से मतलब नहीं है बाज़ दफ़े लोग स्लोगन्स पर बहुत ज़्यादा तोज्जो दे रहे होते हैं नारों पर बहुत ज़्यादा तोज्जो दे रहे हैं सवाल ये है कि उनका आउटकम कितना है सवाल यह है कि उन्होंने पेश क्या किया है नतीजा क्या आया है मार्केट के अंदर और नतीजा क्या आया है दुनिया के अंदर ये अहम है ना ये कि हम पहले से डोनेशन जमा कर है और पैसे जमा कर ले और उसके बाद फिर हम ये ख्वाब खा, और ख्याल के अंदर सोचें कि इतनी बड़ी इमारत बनेगी और उसके अंदर ये कायम होगा ये कायम होगा इन इमारत भी बनाई जा रही है कहीं पर तो इस उम्मीद के साथ बनाई जाए कि उस मकसद तक इंसान पहुँचे लेकिन अगर इतने वसायल मौजूद नहीं हैं तो इंसान को काम नहीं छोड़ना है काम अपने अतबार से जारी वारी रखना है और आज के ज़माने में भी जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज की टेक्नोलॉजी हमारे सामने मौजूद है कि हम आ, आज भी ऑडियंस हमारे सामने फिज़िकल अटेंडेंस के साथ नहीं है लेकिन कैमरे के तो से माइक के तोुद से सोशल मीडिया के तवस से हम ये बात पहुँचाने के काबिल हो रहे हैं तो काम अलहमदिल्ला इंसान को जारी वारी रखना चाहिए चाहे वसाइल मौजूद हो या वसाइल मौजूद ना हो हमें नतीजे को फोकस करना है और आउटकम देने की कोशिश करनी है और लोगों के सामने वो आउटपुट पेश करना है कि जो इमाम जाफर सदक़ल वसलम ने पेश फरमाया एक दुर्पर दीजिए महम्मद वाल महमद पर